Hello classmate, today we are going to study computer. This is your computer book. Take out your computer book. Now open chapter number 1. This is your first chapter, the multifaceted computers, bahu-ayami computers. This is your first chapter, the multifaceted computers. यहाँ पे इसमें हम पढ़ेंगे parts of computer, peripheral devices over computer. इस चैप्टर के अंदर हम इन चीजों को हम पढ़ेंगे. तो let's begin. सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कंप्यूटर क्या होता है. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे काम को आसान करता है. और ये जो है पीछे के हमने पिछले साल हमें इसके बारे में पढ़ा भी था. कंप्यूटर इज एन अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट स्टोर्स एंड प्रोसेस द डेटा वेरी हाई स्पीड एंड विद ग्रेट एक्यूरेसी. कंप्यूटर एक बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बहुत ही शानदार इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो स्टोर करता है और प्रोसेस करता है डेटा को और बहुत ही हाई स्पीड पे काम करता है और बहुत ही सही तरीके से काम करता है. ग्रेट एक्यूरेसी, बहुत ही सही तरीके से काम करता है. ग्रेट एक्यूरेसी वर्किंग और कंप्यूटर बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईक्यू साइड. ये हमने पिछले साल क्लास में हमने पढ़ाई था आईक्यू साइकिल. क्या होता है आईक्यू? इज इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट को आईक्यू बोलते हैं और इस साइकिल को ही आईक्यू साइकिल बोलते हैं. या आई स्टैंड फॉर इनपुट, पी फॉर स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग, ओ स्टैंड फॉर इनपुट. इनपुट क्या होता है कि जो भी डेटा हम कंप्यूटर के अंदर देते हैं और कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए डालते हैं उसको इनपुट करते हैं. उस डेटा को कंप्यूटर फिर प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है वही आउटपुट होता है. ऐसे ही समझे कि हमें किचन में कोई चीज़ बनाना है और सपोज हमें चाय बनाने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले हम भगोना लेंगे और उस भगोने में पानी डालेंगे, शुगर डालेंगे, घी डालेंगे और भी अगर कुछ हम अदरक वगैरह ऐड करना चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं. तो ये हमारा इनपुट हुआ. ये क्या हुआ कि चाय बनाने के लिए इनपुट हुआ. हमने पानी, चीनी, चाय की पत्ती और अदरक उसके अंदर हमने डाला. तो ये जो है हमने इनपुट दिया. अब उसके बाद से इसको हम कटलट पे रख देते हैं गैस के बर्तन में और उसके बाद से इसको पकाने लगते हैं. तो ये प्रोसेसिंग हो गया है. ये जो है ये चीज़ प्रोसेस हो रहा है. जैसे हुए कंप्यूटर में डेटा जाता है प्रोसेस होता है और उसके बाद से जब ये चाय बन जाती है उसको चाय को जो है कप में हम छान लेते हैं. ये हमारा बना हुआ चाय है वो आउटपुट है. तो इसी तरह जो भी डेटा हम डालते हैं कंप्यूटर के अंदर उसको जो प्रोसेस करता है उसके बाद से प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट देता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट. इसको ना आई क्यू साइकिल. कंप्यूटर रिसीव डेटा इनपुट प्रोसेस इनपुट डेटा प्रोसेसिंग एंड फाइनली प्रोड्यूसेस द डिजायर इंफॉर्मेशन आउटपुट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन. तो ये आपने समझ लिया कि ये जो है आई क्यू साइकिल किस तरह काम करता है. अब यहाँ पे आगे आते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं. यहाँ पे देखिए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स. कंप्यूटर कई पार्ट्स का बना होता है. इसमें दो डिवीजन होते हैं कंप्यूटर. कंप्यूटर्स आर दीज पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स. कंप्यूटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसमें पार्ट्स के अब यहाँ पे देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. यहाँ पे दो पार्ट्स को दो भागों में डिवाइड करता है. दो कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या होता है इसका सबसे समझो कि हार्डवेयर को जो भी कंप्यूटर का जो भी पार्ट जिसको हम
टच कर सकते हैं और जो है जिसको हम देख सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर का वह हिस्सा जो भी जिसे हम देख सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। दीज आर द फिजिकल इन नेचर बेस ऑन देयर फंक्शनिंग दे आर डिवाइडेड फॉलोइंग रूल्स। ये फिजिकल नेचर में होता है और जो है इसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देखें भाई हार्डवेयर क्या है और ये अलग अलग जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें पहला पार्ट है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस यानी उस पार्ट को अलग करके हार्डवेयर के जो डिवाइड फॉलोइंग ग्रुप्स इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहला है इनपुट डिवाइसेस। ये क्या है? दीज आर यूज टू फीड डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। इसका काम होता है कि कोई भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालना, जैसे कि कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, कीबोर्ड क्या हो गया? हमारा फर्स्ट प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। तो ये जो है इनपुट डिवाइस है। दीज आर यूज टू फीड डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस है जिससे हमें रिजल्ट दिखे। दीज आर यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन या रिजल्ट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। यानी मॉनिटर हमारा जो है सबसे अच्छा आउटपुट डिवाइस है। जो भी हम जो है कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर पे हमें दिखता है। अगर हमें टाइप करना है कुछ भी कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो हमें मॉनिटर पे वो दिख जाएगा। तो इनपुट हुआ कीबोर्ड के थ्रू और आउटपुट कैसे हुआ? हमारे मॉनिटर पे हुआ। तो आउटपुट डिवाइस दीज आर यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन या रिजल्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। उसके बाद से प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? दीज आर यूज टू प्रोसेस द इनपुट डेटा। इसके बाद सीपीयू के अंदर जो चीज़ होती है, जो भी मैंने हमने टाइप किया, जो भी काम किया वो जो है अंदर सीपीयू के अंदर जाता है और उसके बाद प्रोसेस होता है और रिजल्ट हमारे आउटपुट ये डिवाइस में हमें दिखता है। उसके बाद से हमारा आता है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस हमारे यानी जो भी डेटा है उसको हम फ्यूचर के लिए यूज़ करके आते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस होता है तो दीज आर यूज टू स्टोर द डेटा फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर डाटा यूज। यानी फ्यूचर यूज़ के लिए ऐसा जो है डेटा जिसको हमने स्टोर करके रखा हुआ है और जो है स्टोरेज डिवाइसेस कहलाता है। यानी जो भी डेटा है वो हम स्टोर करके कहाँ रखते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस में रख सकते हैं। ठीक है, द फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे डिवाइसेस होंगे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, अब यहाँ पे आइए देखिए कंप्यूटर्स के चार मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले हम जानते हैं शुरू से ही कंप्यूटर पढ़ना है, उसके बारे में जानते हैं। बेसिक जो फोर पार्ट्स हैं और मॉनिटर में से नंबर वन पे है। डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द वर्क डन इन काम करते हैं वो मॉनिटर में डिस्प्ले होता है। और टेक्निकल बेसिस इट इज नोन एज द VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी हम इसको कहते हैं। मॉनिटर क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी हम कहते हैं VDU। ठीक है, उसके बाद से कीबोर्ड हमारा आता है। इट हैज वेरियस टाइप्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। और उसके बाद से देने के लिए हमारे पास कीबोर्ड है। इसको डिबल इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर को थोड़ा देना होता है तो हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है CPU जो मेन कंप्यूटर कहलाता है। इट प्रोसेस द इनपुट डेटा देन द प्रोसेस डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन। CPU इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इस पर जो भी ड्राॅइंग वगैरह नाम वगैरह या कोई भी चीज़
पास है बेसिक ये पार्ट है कि बगैर कंप्यूटर के मॉनिटर नहीं है तो कंप्यूटर कबाड़ है कुछ नहीं है। अगर कीबोर्ड उसमें नहीं है तो कुछ नहीं, हम कह सकते सीपीयू नहीं है तो कुछ मिलेगा ही नहीं, और माउस भी नहीं है अगर तो आप काम करते हैं। इसमें से हर एक का होना ज़रूरी है, मॉनिटर कीबोर्ड सीपीयू माउस चार चीज़ों का होना ज़रूरी है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं तो बाद में हम जोड़ने तो अच्छी चीज़ें कहते हैं, इनसे तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन सपोज अगर माउस नहीं है तो हम कुछ भी चीज़ों को कोई भी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं हम नहीं कर पाते। अगर कीबोर्ड नहीं है हमारे पास टाइप कर सकते, हमारे एक भी चीज़ें इन चार चीज़ों में से अगर ऐसे है तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा आ गया सॉफ्टवेयर, हमने हार्डवेयर का ये पार्ट कहा था, हार्डवेयर में सारी चीज़ें आती हैं, हार्डवेयर में क्या आता है ये डिवाइस आते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैनॉट सी एंड टच अ कार सॉफ्टवेयर। अभी हार्डवेयर में हम पढ़ा कि जो चीज़ें हम देख सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, बट यहाँ पे द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैनॉट सी एंड टच अ कार सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको हम छू नहीं सकते और जिसको हम देख भी नहीं सकते, दे आर थियोरेटिकल इन नेचर। ये क्या होते हैं थियोरेटिकल इन नेचर में होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, थियोरेटिकल इन नेचर में है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, इट नीड्स सम इंस्ट्रक्शन वर्क अपॉन, और इसी तरह सॉफ्टवेयर अपने उसके लिए कर सकता है, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कार आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, इसमें बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, हर काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए हज़ारों हज़ार जो है टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जो जो जैसा काम होता है उस तरह का वो सॉफ्टवेयर होता है, फिर उसको उसके हिसाब से काम ले लिया जाए। देयर बेस और देयर फंक्शन देयर रिक्वायरिंग टू फॉलो टाइप्स, यहाँ पे देखिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर को, इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, दो सॉफ्टवेयर हो सकता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जो सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है सिस्टम, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अब तक हम यही करके रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम रखेंगे इस वीडियो को मोटिवेट करेंगे, तो हम लोग वीडियो नहीं होना चाहिए, तो अगली क्लास में हम इसके बारे में पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, इसको और कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और या फिर इसको हम पढ़ लें पेरिफेरल डिवाइसेस को हम पढ़ लें, तो यहाँ पर देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है कि ये आप समझिए कि कंप्यूटर में ये जो मेन पार्ट्स होते हैं ये होते हैं, इसके अलावा भी और भी तमाम चीज़ें कंप्यूटर से हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप प्रिंटर को कंप्यूटर से ऐड कर लीजिए, डीवीडी सीडी को प्लेयर को कंप्यूटर से ऐड कर लीजिए, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, माइक्रोफोन या यूएसबी के स्पीकर से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये आपके काम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें डिवाइसेस हैं। तो देयर आर मेनी अदर पार्ट्स दैट कैन बी अटैच एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर सिस्टम, दीज पार्ट्स मेक द कंप्यूटर परफॉर्म वेरियस फंक्शन, दे आर नॉट कंपल्सरी टू रन द कंप्यूटर, दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ये बहुत ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको कोई गाना सुनना है तो आपको स्पीकर की ज़रूरत है, तो साउंड सुनना है तो स्पीकर की ज़रूरत है, आपका काम तो ऐसे चल जा रहा है, लेकिन अगर आप इसको काम पर्टिकुलर कर रहे हैं तो आपको स्पीकर की ज़रूरत है, तो आप स्पीकर को जोड़ सकते हैं। इसी तरह माइक्रोफोन है, कोई चीज़ आप कंप्यूटर में कोई वॉइस अप करना चाहते हैं तो आपको इस माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ेगी, कोई डेटा लेना है कंप्यूटर में डालना है या कंप्यूटर से आप ट्रांसफर लेना है तो पेन ड्राइव में ले सकते हैं, तो आपको पेन ड्राइव में अटैच कर सकते हैं, इसी तरह डी सी डी से आपको कंप्यूटर के अंदर जो डेटा भेजना चाहते हैं या वहाँ से आप ट्रांसफर लिंक करना चाहते हैं सी डी वी डी या सी डी ड्राइव में तो उसको आप लगा सकते हैं, इसी तरह प्रिंटआउट देना चाहते हैं प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डीज एर पेरिफेरल डिवाइसेस, हाँ इट्स नॉट ए कंपल्सरी बट दैट विल हेल्प योर वर्क, तो इन डिवाइस
डिवाइसेस की ज़रूरत अगर है तो उसको अलग से हम लोग कैसे अटैच कर सकते हैं। तो दिस इज आर अबाउट, ध्यान रखा पहले देखिए।